अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान के मैरवा प्रखंड स्थित मुरियारी पंचायत के मुखिया सह जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने आज एमएलसी पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सिवान समाहरणालय में अजय भास्कर चौहान ने एक सीट में अपना नामांकन पर्चा किया। आपको बता दें कि राजद के कद्दावर नेता रहे अजय भास्कर चौहान राजद के द्वारा विनोद जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जनप्रतिनिधियों का समर्थन है और इस बार इस त्रिस्तरीय पंचायत में मुखिया ही विजयी बनेंगे, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत में जनप्रतिनिधि ही एमएलसी के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि एमएलसी पद के जितने भी प्रत्याशी हैं वो ना कोई मुखिया है, ना कोई बीडीसी है, ना कोई त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सदस्य है। अजय भास्कर चौहान खुद एक मुखिया है और त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य है, इसलिए उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पक्ष में एकजुट हो चुके हैं और उनका इस बार जीत पक्की है। ने आज यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष पहुँचे हुए हैं और आज इस शुभ अवसर पर त्रिस्तरीय सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का हम अभिनंदन करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनकी आवाज़, उनके हक और हुकूक का लड़ाई बनना चाहते हैं। उन लोगों के सम्मान और प्यार के बदौलत तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आदेश दिया गया है, हम जैसे साधारण से व्यक्ति, चूँकि हम एक पंचायत के मुखिया हैं और मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष होने के नाते लोगों का यह आदेश मिला, उसी आदेश का अवलोक में आज हम यहाँ नामांकन करने के लिए पहुँचे हैं और उनकी आवाज़ बन करके यहाँ से उन लोगों के हक और हुकूक के लिए विधान परिषद जाने का हम तैयारी किए हैं। सर, ऐसा क्या हो गया कि राजद से बगावत करके आपने अचानक चुनाव लड़ने? नहीं, आप जैसा कह रहे हैं लोग, पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए था कि यह सिम्बॉलिक चुनाव नहीं है, क्योंकि जब तक सोसाइटी में यह सब चीज़ नहीं जाएगा आवाम तक, आप सिम्बॉलिक अगर चुनाव होता तो आपको पता होना चाहिए कि उस बैलेट पेपर पर कहीं ना कहीं सिंबल होता। तो पार्टियों का एक पर पार्टी बन चुका है, एक कंसेप्ट बन गया है कि राष्ट्रीय जनता दल का यह प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी का यह प्रत्याशी है और उसका सीधा सीधा है कि जाकर के हमारे दल का प्रत्याशी जीतेगा। हम तो त्रिस्तरीय का आवाज़ के लिए ना हम जो ऐसे कदम उठाएँ और जो लोग ताकत हैं जिनके बदौलत हमको जाना है। और आप समझ लीजिए, हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ अभी प्रत्याशी आपके सामने चेहरा है, कोई व्यक्ति त्रिस्तरीय का वोटर है? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है ना। हम इकलौता एक ऐसे वोटर हैं, अजय चौहान त्रिस्तरीय के वोटर है उस नाते और त्रिस्तरीय मालिकों के आदेश के नाते हम उनके बीच में गए हैं। अब पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं, हमसे अगर बगावत करके जा रहे हैं तो हम तो उनके आवाज़ के लिए जा रहे हैं ना, हम तो हमारा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मालिकों का जो आदेश हुआ उसी आदेश का अवलोक हम चले हैं लड़ने के लिए। जीतने के बाद सीधा जनप्रतिनिधियों के प्रति रहेगा। भाई, हमको विधान परिषद जाना है जीत के, तो हम तो आवाज़ उनका उठाएंगे ना जिन लोगों ने ताकत दिया। अभी एक बयान में हमारे साथी ने पूछा था, महागठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता, उसमें एक नेता का बयान आ था, आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि बागी होकर के लड़े हैं। अब जरा बताइए, मान्यवर नेता का बयान जब सुनिएगा तो अब कैसे बताएं कि क्या बयान था। उनका बयान था कि आदरणीय जायसवाल साहब को जिताएंगे और विधान परिषद में भेज करके चीनी मिल का मुद्दा उठवाएंगे, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद से उनका आदेश था कि रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन आप समझिए, जिसके लिए लोग ताकत दे रहे हैं, हम विजन लेकर के लड़े हैं कि ग्राम पंचायत की जो सरकारें हैं उनमें क्या क्या समस्या, पंचायत समिति की जो सरकारें हैं उनमें क्या क्या समस्या। और उनका बयान क्या था
कि ओकरा के क्यों चीना था, ओकर का औकात बा, ओकर कोनो जमीर बा, हे समुंदर में ओकर कोनो मतलब बा, बताइए। अभिभावक हैं और एक अभिभावक यह शोभा नहीं दे रहा कि किसी भी व्यक्ति, हम अंतर यही है ना कि हम छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, हम एक मुखिया हैं और एक सम्मानित मुखिया को आप गाली दीजिएगा, आप सम्मानित मुखिया को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करिएगा, आप सम्मानित मुखिया के जमीर को देखिएगा। तो अगर आप यह घमंड पाल के रखे हैं, अगर आप में यह अहंकार है कि हम बहुत बड़े समुंदर हैं, तो शायद उनको पता नहीं है कि एक छोटा सा भी कंकड़ उस समुद्र में अस्थिर होता है और हम वह कंकड़ हैं, उस समुद्र में हम अस्थिर पड़े हुए हैं। और समुद्र का लहर चाहे कितना भी आ जाए, जो कंकड़ उसमें है कहीं ना कहीं स्थिर है। और वहीं स्थिरता का पहचान देखिएगा, आने वाले 4 तारीख को समस्त सिवान के त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया महोदय, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य लोग अपने भाई को, हम उनके बीच के भाई हैं और हम मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको जानकारी है ना, 20 साल से हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हैं। सीधा सीधा मुद्दा है कि बाबा साहब ने जो पंचायती राज सिस्टम में जो एक्ट दिया है, जिस वजह से पंचायतों का सर्वांगीण विकास होना है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, हमारे पंचायत समिति का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, हम लोगों का अधिकार कैसे मिलेगा, उन सारी चीजों को हम लेकर के जाएंगे विधान परिषद में। और हमको पता है, हम ना जानते हैं कि हम लोगों के साथ क्या दर्द है, यही दर्द लेकर के हम विधान परिषद में। इस बात का प्रस्ताव का मीन्स क्या है, अगर आप कहते हैं कि प्रस्ताव रखे थे, हम तो लड़ रहे हैं, सीधा सीधा हमने कहा हम लड़ रहे हैं तमाम उन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के आदेश पर लड़ रहे हैं। तो फिर पार्टी के पास प्रस्ताव रखने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो एक सीट में ही नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। समुंदर मकर कौन मतलब बा, बताइए। आदरणीय महागठबंधन के नेता इस तरह का बयान करें कि ओकर कौन जमीर बा, ओकर कौन औकात बा, ओकरा के पूछा था। अब कहीं ना कहीं हम लोग मुखिया हैं, अगर इस तरह का आप अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत के मुंह पर यह तमाचा है, कहीं ना कहीं समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए तो कहीं ना कहीं गाली हुआ ना, कि ओकरा के पहचाना थी, कोई भाषा है। लोकतंत्र में लड़ने की सबकी आज़ादी है और उसी लोकतंत्र की खूबसूरती में या साधारण सा एक मुखिया अगर हम लड़ रहे हैं उन लोगों की आवाज़ के लिए, तो कौन सा हमने पाप कर दिया? हमने तो कोई पाप किया नहीं है। हम तो मामला भी वहाँ नहीं, अभी तो बता रहे हैं ना, अभी इस तरह का बयान हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, महागठबंधन के नेतागण इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेना चाहते हैं कि जिसके पीछे आपका काफिला दौड़ रहा है, जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए। आदरणीय जायसवाल साहब 7 साल बाद इस धरती पर आते हैं, सिवान जिला के धरती पे, जो व्यक्ति एक दिन भी इस धरती पे नहीं आया, एक दिन भी उन प्रतिनिधियों के हाल चाल में शरीक नहीं हुआ, और उनकी वकालत कर रहे हैं कि उनको हम जिता करके भेजेंगे, किसके बदौलत जिता करके भेजिएगा? बदौलत आप जनप्रतिनिधियों के जिता करके भेजिएगा ना, और एक जनप्रतिनिधि को आप गाली दे रहे हैं कि ओकरा के क्यों चीना था, ओकर कौन जमीर बा, ये कोई मतलब हुआ? हम एक साधारण से मुखिया हैं और हम लड़ रहे हैं अपने मुखिया संघ के आग्रह और मुखिया संघ के आदेश पर हम लड़ रहे हैं। और समस्त 283 पंचायत के मुखिया, सभी सम्मानित मुखियाओं का प्यार है, सभी सम्मानित वार्ड सदस्यगण का प्यार है। और आज जब जायसवाल साहब अभी नहीं जीते हैं, तब महागठबंधन के आदरणीय नेता का यह बयान आता है कि ओकरा के क्यों पूछा था, बताइए, ये कहीं से लाजमी है? ये शोभा तो कह रहे हैं कि जो पार्टी में रहता है जब तक तब तक पहचान रहती है, वह पार्टी से निकल के आपकी पहचान खत्म है? नहीं, आप तो ये त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि बताएंगे ना, और 4 तारीख को बताएंगे। इसका निर्णय आदरणीय माननीय विधायक हरिशंकर यादव जी नहीं करने जा रहे हैं, इसका निर्णय जो समस्त त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं वो निर्णय करेंगे। लेकिन जरूर गुजारिश करना चाहते हैं, चूंकि अभिभावक हैं, महागठबंधन के लोग, वरिष्ठ नेता जिनका बयान हमने सुना था, अभिभावक हैं, और एक अभिभावक यह शोभा नहीं दे रहा कि किसी भी व्यक्ति, हम अंतर यही है ना कि हम छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, हम एक मुखिया हैं और एक सम्मानित मुखिया को। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है।
सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।